अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको रिश्ता जो है ये लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये उन हमारे दोस्तों के लिए है, भाइयों के लिए है जिनकी उम्र जो है वो 55 साल तक हो, यानी कि 55 ईयर्स तक हो, और वो चाहते हों पहली, दूसरी या तीसरी भी शादी करना। तो रिश्ता को मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, ये बिल्कुल मुफ्त है और हमारा साथ हमेशा के लिए बना रहेगा। तो अभी जो रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो खातून है इनका नाम है इशमल बीबी। इशमल जो है हमारी बहन, इनकी जो उम्र है इस वक्त वो ये 47 ईयर्स हैं, यानी कि 47 साल की हैं। एक बेवा हैं, 6 साल हो गए हैं शौहर का इंतकाल हुए। दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी की शादी कर चुकी हैं, छोटी बेटी अभी जो है उम्र में छोटी है, इतनी ज़्यादा वो बड़ी नहीं है कि उसकी शादी की जाए, वो इनके साथ ही रहती है। तो उसमें बीवी जो है हमारी बहन मुसलमान है, फिरका सुन्नी है। इनकी जो कास्ट है ये जट बरादरी से इनका ताल्लुक है, और इस वक्त जो है ये सुबह पंजाब के सिटी जो है बूरेवाला वहाँ पर रहती हैं। अपना घर है, शोहर जो कि फोत हो गए हैं उनकी जो है ज़मीनें वगैरह भी हैं, सारा कुछ है। तो यानी कि पैसे की इतनी कोई कमी नहीं है, अच्छे खासे घराने से हैं। तो अभी ये चाहती हैं कि खुद भी शादी कर लें, ताकि अपनी ज़िंदगी भी जो है आसानी से गुजार सकें, क्योंकि एक बेटी है उसकी भी जो है जो दूसरी है छोटी, यानी कि उसकी भी शादी जो है वो कर देंगी तो फिर बाद में जो अकेली रह जाएंगी। तो इसलिए ये चाहती हैं कि शादी जो है कर लें। तो इसी ऐसे जो है मर्द की तलाश है जिसकी उम्र जो है 55 साल से ज़्यादा ना हो, पहली या दूसरी या तीसरी भी शादी करना चाहता हो, और जो है अच्छे घराने से हो, मुसलमान हो, फिरका सुन्नी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो। तो वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम जो है बहुत जल्द उनसे रब्ता कर लेंगे और इनसे फैमिली से जो है इस फैमिली से हम आपको मिलवा देंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।